हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश पांडे। दिस इज अवर सेकेंड क्लास ऑफ स्केचअप। और आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज के वीडियो में हम लोग यूज करेंगे आगे की कुछ कमांड्स, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ऑफसेट कमांड को देखने आ रहे हैं। उसके थ्रू हम लोग किसी रूम को अगर बनाना हो, कम्प्लीट रूम को कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर वन बाई वन हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट रेके कम्पोनेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे, मटेरियल कैसे लगाना है कम्पोनेंट में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट दिस इज सेकेंड वीडियो, सो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं किस तरीके से ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। फॉर दैट सपोज आई विल पुट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जैसे आप क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल का जो साइज चाहिए वो साइज आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। अगर मैं कर्सर को भी थोड़ा जम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आप वो साइज लिख सकते हो कि आपको कितना प्रॉपर साइज चाहिए अपने रूम का। तो आपको जो भी साइज चाहिए वो यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए। और ये साइज करने के बाद इसको ऑफसेट करिए कि आप उसको ऑफसेट कितना करना है। ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे जाइए ऑफसेट कमांड पे और यहाँ से जाके इस तरीके से हम लोग ऑफसेट करेंगे और जितना आपको ऑफसेट करना है उतना ऑफसेट कर दीजिए। देखिए अगर सपोज वॉल है तो वॉल, अगर हमारा आउटर वॉल है तो 9 इंचेस, अगर इनर वॉल है तो 4.5 इंचेस को ऑफसेट करेंगे। इसके बाद इसको अगर ऊपर उठाना है लाइक रूम जैसा शेप देना है तो आप इस तरीके से रूम कम्प्लीट बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं रूम आइटम कंप्लीट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आके अगर आपको दिखाना है कि वॉल ओपन है क्योंकि इससे क्या आपको दिखाना है, तो अगर आप करें इस तरीके से यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और नाउ फ्रॉम हियर टू हियर आल्सो, एंड देन जस्ट गो टू स्क्रू कमांड एंड जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट। और अब आपके पास एक ओपन रूम हो चुका है और इस रूम को जिस तरह से आप इंटीरियर करना चाहें उस तरह से इंटीरियर आप कर सकते हैं। तो इंटीरियर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि इंटीरियर कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और इसके बाद अगर इस पर कुछ मटेरियल डालना है मटेरियल कैसे डालना है। ओके, सो फॉर मटेरियल जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से मटेरियल्स हैं, हमने कोई भी मटेरियल लिया, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करिए और आपको क्या चाहिए मटेरियल में लाइक एस्फॉल्ट, कंक्रीट, कारपेट। सपोज आई विल यूज कारपेट हियर, कारपेट अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके जैसे हम पुट करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कारपेट मिल जाएगा, कारपेट मिल गया। अब इस कारपेट के टेक्सचर की शेप को बड़ा करना है कि छोटा करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड क्या कलर रखना है इस कारपेट की शेप को, आप यहाँ पे एडिट पे जाइए और यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग बड़ा करना है लाइक बड़े बड़े कारपेट लगाना है, 5 फीट का हमें एंटर करना है और देखेंगे आपका ये देखिए इसमें बड़ा हो चुका है टेक्सचर। ओके, एंड अगेन इफ यू कम हियर एंड देन यू वांट टू डू द कलर्स और स्टोन लगाना चाहते हैं, सो मेनी स्टोन्स आर देयर, सपोज यू वांट दिस वन, सो जस्ट क्लिक हियर, क्लिक लाइक दैट एंड देन क्लिक, यू वांट टू चेंज अदर साइड्स जस्ट क्लिक लाइक दैट एंड देन क्लिक। ओके, एंड यू वांट टू चेंज दिस वन इज नॉट लुकिंग गुड, सो दिस विल पुट हियर दिस कलर। ओके, नॉट दिस, दिस नॉट, विल पुट सम अदर कलर्स लाइक I want to put here board actually. So I'll take from here board and then put that. Okay, we'll put it this one. Now, next video we'll discuss how to cut here almirahs. So I'll tell you like how to cut the almirahs and साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर bed और components कैसे ले आके लगाते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, तब हमें पता चलेगा कि मुझे कुछ फीडबैक मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आगे भी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। प्लीज डू कमेंट देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस, प्लीज डू सब्सक्राइब।